नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं हूं समानंद और देखिए आज आप लोग लिए एक इम्पॉर्टेंट देखिए वीडियो लेकर आए हैं। उत्तर प्रदेश की नदियां, बांध और इसके सभी प्रकार के झील, ठीक है। और देखिए इससे क्वेश्चन आपके पेपर में हमेशा पूछते हैं। और देखिए जो भी आपका एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश में होने वाला है या फिर आपका UPSC का होता है एग्ज़ाम, या फिर देखिए अगर पूछेगा कि सर अगर देखिए UPSC के साथ ये जो आपका UP SSSC पेट का एग्जाम होने वाला है इसके लिए भी, और जो आपका देखिए आपका लेखपाल का एग्जाम होने वाला है, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट की क्लास है, ठीक है। और देखिए आज तक ऐसा पेपर नहीं बना जिसे इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे। और देखिए हमेशा यूट्यूब पर ऐसे वीडियो लेकर आते हैं जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक से होते हैं, ठीक है। और देखिए आज पूरा विस्तार से पढ़ेंगे कि यूपी में कितने प्रकार की नदियाँ हैं, और देखिए उनका उद्गम क्षेत्र कहाँ पर है, और वो किस जिले से यूपी में प्रवेश करती है। और देखिए जितने भी यूपी के बांध हैं, देखिए बांध के नाम तो ऐसे देखिए पूछता है जो आप लोग देखिए अधिकार बच्चे सुने भी नहीं होते हैं। तो देखिए सभी प्रकार के बांध को पूरा विस्तार से बताएंगे, और जो आपके यूपी में कौन कौन से झील हैं, ठीक है। और देखिए इसको पूरा विस्तार से समझते हैं, ठीक है ना। और देखिए एकदम छोटा वीडियो होगा, पूरा एकदम और इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है। देखिए बात करते हैं आपका देखिए सबसे पहले गंगा नदी। देखिए इसका पूरा लिस्ट भी लेकर आएंगे, लेकिन पहले देखिए कुछ जो इम्पॉर्टेंट या उसके बारे में पूरा विस्तार से आप लोग बताएंगे, क्योंकि देखिए इसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में एकदम विस्तृत पूछता है। तो देखिए क्या पूछा है, देखिए सबसे पहले नदी गंगा। देखिए गंगा यदि बोलेगा तो देखिए भारत में ये 2525 किलोमीटर की लंबाई में बहती है, ठीक है। देखिए सबको पता है कहाँ से निकलती है, तो उत्तराखंड के गंगोत्री से। लेकिन पूछेगा कि सर ये यूपी में कितना बहती है, तो क्या पता, देखिए यूपी में ये 1450 किलोमीटर में बहती है, ठीक है। देखिए बस आपको मोटा मोटी जो फैक्चुअल आंकड़ा है बस उसी को रखना यार, ठीक है। और देखिए बोलेगा कि सर ये बताइए, देखिए फोटो को आप देखिए बोलेगा कि सर ये बताइए कि यूपी में इसकी कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं, तो क्या देखिए बताएंगे रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी और देखिए बागमती। ये देखिए ये नदियाँ इसकी यूपी में सहायक नदियाँ हैं, और दक्षिण किनारे से मिलने वाली सहायक नदियाँ यमुना, टोंस और सोन नदी है। देखिए तीनों को याद रखेंगे, पूछता है कि गंगा की कौन सी सहायक नदियाँ जो दक्षिण की ओर से आकर मिलती है, तो क्या बताएंगे यमुना, टोंस और सोन नदी है, ठीक है। और देखिए गंगा नदी में यमुना और सरस्वती प्रयागराज में आकर मिलती है, जहाँ पर संगम लगता है। अब देखिए क्वेश्चन पूछेगा कि सर ये बताइए, देखिए ये कहाँ से निकलती है, तो सबको पता है कि क्या बताएंगे ये गंगोत्री से, उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है। और देखिए धीरे धीरे देखिए ये आपका देखिए अगर बोलेगा सर गंगा नदी देखिए जो आपका प्रवेश करती है, देखिए दो नदियों का संगम होती है भागीरथी और अलकनंदा, ठीक है। देखिए भागीरथी और अलकनंदा इन दो नदियों का संगम होती है, ठीक है। देखिए जिसे देवप्रयाग कहते हैं। अब देखिए बोलेगा कि सर ये बताइए गंगा नदी मैदानी भागों में कहाँ से प्रवेश करती है, तो क्या बताएंगे हरिद्वार से, ठीक है। हरिद्वार से गंगा मैदानी भागों में प्रवेश करती है। और देखिए यहाँ पर एक स्थान पड़ता है ऋषिकेश, ठीक है। अगर पूछेगा एग्जैक्ट तो क्या बताएंगे ऋषिकेश से गंगा देखिए कहाँ पर प्रवेश करती है, तो क्या बताएंगे मैदानी भागों में, ठीक है। अब देखिए उत्तर प्रदेश में अगर पूछेगा ना कि गंगा किस शहर से प्रवेश करते हैं, तो क्या बताएंगे बिजनौर से। आप लोग क्या देखेंगे, देखिए क्वेश्चन पूछ चुका है कि उत्तर प्रदेश में गंगा बिजनौर जनपद में से प्रवेश करती है। और देखिए ये देखिए गंगा नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल राज्यों से होते हुए बहती है, ठीक है। अब देखिए आ गया था आपका, अब बोलेगा कि सर ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में गंगा नदी कितने जिलों से प्रवेश करती है। देखिए अगर यूपी में 75 जिले हैं, और देखिए 75 जिलों में से गंगा अकेले 28 जिलों से होकर बहती है। और देखिए इसके किनारे जो आपके शहर हैं उसका भी देखिए नाम देखकर क्वेश्चन पूछा, तो क्या बताएंगे फरुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर, गंगोत्रेश्वर, सोरो, ये सब आपके शहर गंगा नदी के किनारे बसे हुए, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखेंगे 28 जिलों से होकर प्रवेश करती है गंगा नदी, ठीक है ना। देखिए आ गया था आपका, अब देखिए अगर बोलेगा कि देखिए गंगा नदी के किनारे, देखिए दाएँ किनारे आपका कानपुर नगर बसा है, और बाएँ किनारे आपके वाराणसी शहर, ठीक है। देखिए दोनों से क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा शहर गंगा नदी के दाएं स्थित है, तो क्या बताएंगे कानपुर, और बाएं तो आपका आपका वाराणसी, ठीक है। देखिए आ गया था आपका, अब देखिए पूछता है कि यमुना, देखिए ये यूपी वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगा। देखिए बोलेगा कि यमुना नदी, तो देखिए देखिए सबको पता है कि आप कहीं देखिए ये कहाँ से निकलते, तो क्या बताएंगे उत्तराखंड के बंदरपुर से, उसी को बोलते हैं यमुनोत्री हिमनद। अब देखिए पूछेगा ना सर ये बताइए कि यमुना नदी देखिए कहाँ से प्रवेश करती है, तो देखिए देखिए इसके बारे में आपको देखिए बस इंपॉर्टेंट बात आपको रखना याद। देखिए यमुना नदी के किनारे आपका आगरा शहर, ठीक है। देखिए आगरा शहर आपका देखिए यहाँ पर देखिए लिखा है मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा, हमीरपुर, बटेश्वर, कौशाम्बी और कालपी नगर, ठीक है। ये सभी सभी नगर इस नदी के किनारे बसे हुए हैं, ठीक है। और देखिए पूछेगा कि सर ये बताइए कि यमुना नदी यूपी के किस जिले से प्रवेश करती है, तो क्या बताएंगे सहारनपुर। आप लोग याद रखेंगे देखिए ये सहारनपुर से यूपी में प्रवेश करती है, ठीक है, सहारनपुर से।
और देखिए पूछेगा कि सर इसके कौन कौन सी सागर नदियाँ हैं, तो देखिए क्या क्या देखिए क्या बताएंगे, चंबल नदी, देखिए चंबल नदी यमुना से इटावा के पास मिलती है, और बेतवा नदी यमुना से हमीरपुर के पास मिलती है, और भोजहा के निकट यमुना नदी से की नदी मिलती है, ठीक है। तो देखिए चंबल नदी, बेतवा और की नदी, ये देखिए तीनों तीनों इसकी सागर नदियाँ हैं, ठीक है। देखिए आगे आते हैं, देखिए आपका आता है रामगंगा, तो देखिए ये आपका रामगंगा नेशनल पार्क से होते हुए आता है, और देखिए ये आपका जिला बिजनौर से मैदानी भागों में प्रवेश करती है, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखेंगे, क्वेश्चन बड़ा इन बड़ा पूछता है। देखिए आगे आता है आपका शारदा नदी, देखिए शारदा नदी कहाँ से निकलती है, तो क्या बताएंगे आपका कुमायूं हिमालय से निकलती है, ठीक है। अब देखिए पूछेगा कि सर ये बताइए, देखिए ये नदी देखिए यूपी में कहाँ से प्रवेश करती है, तो देखिए अगर बोलेगा कि शारदा नदी ब्रह्मदेव के निकट मैदानी भागों से प्रवेश करती है, और शारदा नदी सांप की तरह टेढ़े मेढ़े मार्ग से होकर बहती है। देखिए ये भी आपका इसकी खास बात है, आप लोग इसको भी याद रखेंगे कि यूपी की कौन सी नदियाँ जिसका आकार सांप की तरह होता है, तो क्या बताएंगे शारदा नदी, ठीक है। और देखिए शारदा और घाघर नदी का संगम बहराम घाट के निकट होता है, ठीक है ना, बहराम घाट यूपी के बहराम घाट में शारदा और घाघर नदी दोनों आपस में जाकर मिलती हैं, ठीक है, ठीक है ना। और देखिए बोलेगा कि सर ये बताइए शारदा नदी यूपी में कहाँ से प्रवेश करती है, तो क्या बताएंगे पीलीभीत से, ठीक है, पीलीभीत, ठीक है। देखिए देखिए यहाँ पर देखिए दिया भी है कि देखिए शारदा नदी पीलीभीत और नेपाल की सीमा निर्धारित करती है, ठीक है ना। ये देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके यहाँ में पूछता रहता है। देखिए आगे आता है आपका घाघरा, देखिए बोलेगा कि सर ये देखिए ये नदी कहाँ से निकलती है, तो क्या बताएंगे आपके तिब्बत से, देखिए ठीक है ना, तिब्बत मतलब मानचुंगो में हिम नदी वहीं से निकलती है। आप देखिए बोलेगा कि इसकी सागर नदियाँ कौन कौन सी है, तो देखिए करनाली, सीख, टीला, सेठी, बेरी, ताप, राप्ती और छोटी गंडक, ये सब देखिए इसकी सागर नदियाँ हैं। और देखिए इसको घाघरा नदी को सरयू के नाम से भी जानते हैं आप लोग, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। और देखिए बोलेगा कि सर इसकी लंबाई कितनी है, तो देखिए ये यूपी में 80 किलोमीटर की लंबाई में देखिए पूरे बहते हुए, और देखिए फिर छपरा के पास गंगा नदी में जाकर मिल जाती है, ठीक है। और देखिए अगर बोलेगा कि सर देखिए अयोध्या नगर आपके सरयू नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। देखिए सरयू को ही कहकर घाघरा बोलते हैं, ठीक है, थीके? आप लोग इसको भी याद रखेंगे। अब देखिए बोलेगा कि सर जो आपका ये नदी है वो देखिए गंगा नदी में देखिए जाकर काम देते, तो क्या बताएंगे छपरा। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछता है छपरा के पास। देखिए आगे तक राप्ती, देखिए ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट आता है। देखिए राप्ती नदी पर आपका शहर कौन सा है, तो क्या बताएंगे गोरखपुर, ठीक है, गोरखपुर। देखिए राप्ती नदी का उद्गम क्षेत्र तो रुकुमकोट नेपाल में, ठीक है। और देखिए इसकी सागर नदियाँ रोहिणी नदी है, ठीक है, क्वेश्चन पूछ चुका है। और देखिए राप्ती और घाघरा नदियों का संगम उत्तर प्रदेश के देवर जिले में बरहज नामक स्थान पर होता है, ठीक है। देखिए राप्ती और घाघरा दोनों देवर जिले में मिलती है, ठीक है ना। और देखिए इसी पर आपका गोरखपुर शहर बसा हुआ है राप्ती नदी पर, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। देखिए आगे आते आपका, देखिए अगर बोलेगा सर ये बताइए कि गंगा के मैदान से निकलने वाली कौन कौन सी नदियाँ हैं, तो देखिए ये भी क्वेश्चन पूछता है यूपी में, तो देखिए गोमती, वरुणा, पांडव, सई और रईस, देखिए ये गंगा नदी के मैदानी भागों से निकलने वाली नदियाँ होती है, ठीक है, गोमती, वरुणा, पांडव, सई और ईसन, ठीक है। देखिए गोमती आप लोग देखिए जानते भी होंगे कि लखनऊ शहर बसा हुआ है, और कानपुर सॉरी जौनपुर, और देखिए वरुणा पावर देखिए वाराणसी में ही यह बहती नदी वाराणसी में, ठीक है। देखिए आगे आते हैं, देखिए गोमती नदी, देखिए क्वेश्चन पूछता है सर ये बताइए गोमती नदी ये कहाँ से निकलती है, तो देखिए क्या बताएंगे, देखिए इसका उद्गम क्षेत्र पीलीभीत जिले की फुलहर झील से होता है, नाम आप लोग याद रखेंगे फुलहर झील से निकलती है। और देखिए उत्तर प्रदेश की पीलीभीत, शाहजहाँपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर जिलों में प्राप्त होते हुए गाजीपुर में गंगा नदी से आकर मिलती है, ठीक है। और देखिए आप लोग याद रखेंगे गोमती नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है, जिससे आपको क्वेश्चन पूछता है, देखिए इस पर इतने सारे हैं आपके लखीमपुर खीरी जो यूपी का सबसे बड़ा जिला है, शाहजहाँपुर देखिए और पीलीभीत, ठीक है, और देखिए सीतापुर, लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर, ये सब आपकी नदियाँ इसी पर हैं, ठीक है ना। देखिए आगे आते आपका, देखिए प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली यूपी की कौन कौन सी नदियाँ हैं, तो देखिए क्या बताएंगे आपका चंबल नदी, बेतवा, केन, सोन, टोंस, कन्हार और रिहंद नदी, ये देखिए सब के सब नदियाँ आपकी प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं, ठीक है। देखिए सब आप लोग अपने कहें पर देखिए चलेंगे, इससे बात कुछ आपके कभी पूछेगा ही नहीं, ठीक है। देखिए आगे आते आपका चंबल नदी, देखिए चंबल नदी का देखिए उद्गम कहाँ पर है, तो क्या बताएंगे जानपना पहाड़ी एमपी से निकलती है, ठीक है। और देखिए ये मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों की सीमा करती है, ठीक है। देखिए ये देखिए तीनों राज्यों की एमपी, राजस्थान और यूपी की सीमा पर ये बहती है। और देखिए अगर बोलेगा सर इस पर कौन सा बांध है, तो क्या बताएंगे देखिए गांधी सागर बांध, औरणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध, तीन बांध इसी नदियों पर बनाया गया, ठीक है।
गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध, ये तीनों तीनों बनाए चमन द्वीप है, ठीक है। और देखिए बोलेगा कि सर इसकी कौन सी सागर नदियाँ हैं, तो क्या बताएंगे, काली, देखिए काली सिंध, पार्वती एवं बनास नदी, इसकी सागर नदियाँ होंगी, ठीक है। और देखिए पूछेगा कि देखिए चंबल नदी अपनी अवनालिका अपर्दन एवं विवाह के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। देखिए देखिए इसकी मिट्टी में छिला होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं अवनालिका अपर्दन के लिए ये नदी प्रसिद्ध होती है, ठीक है। और देखिए इस नदी पर आपका देखिए ये नदी उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना में आकर मिल जाती है, चंबल नदी, ठीक है। देखिए आगे तो क्या, देखिए बेतवा, देखिए बोला क्या कि देखिए ये कहाँ से निकलती है, तो एमपी के रायसेन जिले से निकलती है। और देखिए ये उत्तर प्रदेश में झांसी, औरैया, जालौन, हमीरपुर जिलों से होकर बहती है, ठीक है। देखिए ये आपके चार शहर इसी नदी के किनारे बसे हैं, बेतवा नदी के किनारे। और देखिए ये हमीरपुर में के पास यमुना में आकर मिल जाती है बेतवा नदी, ठीक है। देखिए आगे है आपका, देखिए बेतवा नदी का देखिए संस्कृत नाम बेत्रई बेत्रवती नदी है, ठीक है। देखिए आगे देखिए आते हैं आपका सोन नदी, देखिए इसका देखिए उद्गम क्षेत्र कहाँ पर, तो क्या आप देंगे मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से, ठीक है, उसी को बोलते हैं शेषाकुंड। और देखिए बोलेगा कि सोन नदी उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों से होकर बहती है, देखिए क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। और देखिए अगर बोला कि सोन नदी की सागर नदियाँ कौन सी है, तो क्या आप देंगे रिहंद, कन्हर और उत्तरी कोयल नदी इसकी सागर नदियाँ हैं, ठीक है, सोन नदी का। देखिए आगे आते आपका, देखिए बोलेगा टोंस नदी, देखिए बोलेगा ना कि सर देखिए इसका उद्गम कहाँ पर, तो क्या बताएंगे मध्य प्रदेश के कैमूर सिर से निकलती है। और देखिए इसकी सागर नदियाँ हैं बेलन नदी, ठीक है, केवल एकमात्र इसकी इसकी सागर नदियाँ हैं, उसका नाम है बेलन नदी। और देखिए बोला कि टोंस नदी सिरसा प्रयागराज के पास गंगा में आकर मिल जाती है, ठीक है। और देखिए अगर आपसे पूछेगा कि सर ये देखिए टोंस नामक एक अन्य नदी है जिसका उद्गम क्षेत्र बंदरपुछ पहाड़ी से होता है, जो कि यमुना नदी में मिलती है, परंतु ये देखिए यह नदी उत्तर प्रदेश में नहीं बहती है। देखिए टोंस नदी एक और नदी है जो कहाँ से निकलती है, बंदरपुछ से, लेकिन वह उत्तर प्रदेश में नहीं बहती है। तो देखिए दोनों के बारे में लोग नाम याद रखेंगे, ठीक है। और देखिए अगर एक आपका अगर देखिए एक आता आपका कमनासा नदी, ठीक है। देखिए पूछेगा कि सर ये कहाँ से निकलती है, तो देखिए ये बिहार के कैमूर जिले में, ठीक है ना, कैमूर से निकलती है। और देखिए ये आपकी गंगा की सागर नदियाँ हैं। और देखिए पूछेगा कि देखिए कमनासा नदी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से मैदानी भागों में प्रवेश करती है और बिहार और उत्तर प्रदेश का सीमा निर्धारण करती है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन पूछता है कमनासा नदी बिहार और यूपी की सीमा पर बहती है, ठीक है। और देखिए बिहार के बक्सर जिले के स्थित चौसा ब्लॉक के पास कमनासा नदी गंगा में जाकर मिल जाती है, ठीक है। देखिए ये सब आपके देखिए ये सब आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और यहाँ से कितना क्वेश्चन खतरनाक बनता है ना, आप लोग एग्जाम को अगर एग्जाम का देखेंगे पेपर प्रीवियस ईयर, तो आपको समझ आएगा, ठीक है। देखिए कमनासा नदी गंगा में आपके चौसा ब्लॉक के पास मिलती है, बक्सर के पास, ठीक है, हो गया ना। अब देखिए अगर आपसे पूछेगा कि सर देखिए जो यूपी की नदियाँ हैं उनका उद्गम क्षेत्र, तो देखिए सब तो आपको देखिए पूरा इंपॉर्टेंट आपको बता दिए। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट आपसे बातें पूछेगा कि सर ये बताइए इनका उद्गम क्षेत्र कहाँ पर है और ये यूपी में कहाँ से प्रवेश करती है, तो देखिए एक लिस्ट है इसका कि देखिए गंगा निकलती है आपके उत्तराखंड से, लंबाई 25-25। और देखिए बोलेगा कि ये कहाँ तो से, तो क्या होता है बिजनौर से, ठीक है। देखिए बिजनौर से ये यूपी में प्रवेश करती है। देखिए पूछेगा यमुना, तो क्या बताएंगे ये सहारनपुर से प्रवेश करती है यूपी में, ठीक है। अब देखिए आगे आते हैं आपका, ठीक है। देखिए एक देखा था आपका घाघरा, या फिर देखिए उसी को बोलते सरयू जिसमें आपका अयोध्या नगर है। और देखिए तिब्बत से निकलती है 180 किलोमीटर में बहुत है, ठीक है। चंबल नदी ये आपका देखिए एमपी से निकलती है। और देखिए ये पूछेगा कि सर ये कहाँ से प्रवेश करती है यूपी में, तो क्या बताएंगे आगरा, ठीक है, आगरा से, ठीक है ना। और देखिए आगे आते आपका गोमती नदी, बोला गया कि सर देखिए गोमती नदी ये आपकी यूपी में, और देखिए 910 किलोमीटर में ये बहती है, ठीक है। देखिए सोन नदी, देखिए क्वेश्चन ये भी पूछता है, देखिए सोन नदी कहाँ से प्रवेश करती है यूपी में, तो क्या बताएंगे सोनभद्र से, ठीक है, ये यूपी में सोनभद्र से प्रवेश करती है, ठीक है ना। और देखिए आगे आते आपका रामगंगा, देखिए ये भी आपके बिजनौर शहर से यूपी में प्रवेश करती है और कहाँ से निकलती है उत्तराखंड से, ठीक है। देखिए आगे आते आपका राप्ती नदी, देखिए बोलेगा कि तो देखिए ये आपके राप्ती नदी निकलती है नेपाल से 640 किलोमीटर की क्लाइमिंग में बहती है, ठीक है। देखिए आगे आते आपका देखिए बेतवा नदी, ये भी आपकी निकलती है एमपी से। और देखिए बोलेगा कि सर ये बताइए कि ये कहाँ से प्रवेश करती है यूपी में, तो क्या बताएंगे ललितपुर से, ठीक है, ललितपुर से प्रवेश करती है ये भी आपके यूपी में, ठीक है ना। और देखिए एक आते केन नदी, देखिए किन नदी आपका एमपी से निकलती है लेकिन यूपी में बांदा जिले से, ठीक है, बांदा जिले से प्रवेश करती है यूपी में, ठीक है। देखिए आगे आते आपका शारदा नदी, तो देखिए ये तो आपको बताया, देखिए शारदा नदी आपकी पीलीभीत से, ठीक है, यूपी में पीलीभीत से निकलती है। और देखिए ये इनका उद्गम क्षेत्र आपका यूपी में ही है, ठीक है। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछता है कि ऐसी यूपी की कौन सी नदी है जिनका उद्गम क्षेत्र यूपी में ही है, तो शारदा नदी है, ठीक है। देखिए आगे आता आपका टोंस नदी, देखिए अगर बोलेगा सर ये बताइए कि ये टोंस नदी
आपको देखिए कहाँ से निकलते हैं, तो क्या बताएंगे, एमपी से, या पूछेगा सर ये बताइए इनका उद्गम क्षेत्र कहाँ पर है, तो एमपी में, लेकिन पूछेगा कि यूपी में कहाँ से प्रवेश करती है, तो क्या बताएंगे आपका प्रयागराज, ठीक है, यहाँ से ये प्रवेश करते हैं यूपी में, ठीक है ना। तो देखिए यूपी की जितनी भी नदियाँ थी इन पार्टी में सबका सब पूरा विस्तार से आप लोगों को बता दिया, ठीक है। अब देखिए आते हैं इसके झील, देखिए जितने भी यूपी के झील है जो आपसे देखिए एग्जाम में क्वेश्चन खूब पूछता है, ठीक है ना। देखिए झील का नाम, और देखिए आपका सवा का नाम देखिए बताएंगे, ठीक है। देखिए कीठम झील, उसी को बोलते हैं सुर सरोवर, कहाँ पर है, आगरा में, और देखिए इसका नाम था सुरहा ताल, ठीक है। और देखिए, और देखिए देखिए लिस्ट आपका ऐसे भी है, देखिए दो खंड में इसका बटा हो, देखिए एक कहाँ है, हाँ देखिए सुर सरोवर झील कहाँ पर है, आगरा में, ठीक है। फिर देखिए सुरहा ताल झील कहाँ पर, तो क्या बताएंगे बलिया में। देखिए गौर झील कहाँ पर, तो रामपुर में। देखिए करला झील, तो क्या बताएंगे लखनऊ में, ठीक है। देखिए लिस्ट आपका ऐसे है, देखिए एक आता है बड़ा ताल, देखिए उसी को बोलते हैं गोखुर झील, क्वेश्चन पूछ चुका है, ये आपका शाहजहांपुर में पड़ता है। अगर बोलेगा कि देखिए समपुर झील, तो ये आपका रायबरेली में पड़ती है, ठीक है। और देखिए गौर झील ये रामपुर में पड़ता है, और करा तो पता है लखनऊ में। देखिए आता है देखिए बड़ा ताल, देखिए बड़ा ताल में शाहजहांपुर में जो झील है उसी को बोलती है गोखुर झील, ठीक है। देखिए आगे देखिए आता है बरू सागर झील, ये झांसी में पड़ता है, ठीक है ना। और देखिए एक आता है आपका राधा कुंड, यह पड़ता है आपके मथुरा में, ठीक है ना। और देखिए कुंद्रा समुंदर झील, ये उन्नाव में आपका पड़ता है। और देखिए बल्हापारा, ये पड़ता है आपके कानपुर में। और देखिए मदन सागर, ये पड़ता है आपका जिला का महोबा में। और राजा का बांध, ये पड़ता है सुल्तानपुर। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछ चुका है, राजा का बांध कहाँ पड़ता है, तो क्या बताएंगे सुल्तानपुर में, ठीक है। देखिए आगे आपका देखिए दरारगढ़ झील, यही आपका देखिए उसी का नाम होता है दंडाधरी झील, ये पड़ता है आपका मिर्ज़ापुर में। और देखिए औधी ताल, ये पड़ता है आपके वाराणसी में। देखिए क्वेश्चन पूछ चुका है औधी ताल झील कहाँ पर है, तो क्या बताएंगे वाराणसी में, ठीक है। और देखिए एक आता है कृत्रिम झील है बेलासागर, ये कहाँ पड़ता है, तो क्या बताएंगे क्या बताएंगे महोबा, जो पान के लिए फेमस है। और देखिए मोती झील पूछेगा, तो क्या बताएंगे कानपुर शहर में, ठीक है, मोती झील। और देखिए आगे एक आता है देखिए आपका आता है देखिए चितौरा झील, ये पड़ता है आपका बहराइच में, ठीक है। और देखिए बोलेगा कि सर रामगढ़ ताल, तो क्या बताएंगे ये पड़ती है आपकी गोरखपुर में पड़ती है, ठीक है। देखिए एक आता है आपका दरवन झील, ये पड़ता है आपका अयोध्या में। और देखिए बोलेगा शेखा ताल झील, तो ये पड़ता है आपका अलीगढ़ में, ठीक है ना। तो देखिए ये यूपी के जितने भी छोटे छोटे से आपका झील है सबका सब आपका लिस्ट लेकर आए थे, इससे 12 का एक भी क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा है, ठीक है। और देखिए कितना भी डीपली पूछेगा तो इसमें से आपको झीलों की का नाम आपको मिल जाएगा, एकदम श्योर है, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं आपका देखिए उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध, और देखिए ये भी क्वेश्चन पूछता है कि बांध किस नदी पर बनाया गया और किस स्थान पर है, ठीक है। तो देखिए इसका भी लिस्ट है, देखिए बोलेगा कि सर रामगंगा, देखिए तो क्या बताएंगे ये आपका कालागढ़ देखिए बांध इस पर, और देखिए ये स्थान का नाम है कालागढ़, ठीक है। और देखिए कमनासा, और देखिए इस पर कौन सा बांध है, मुसाक हंद बांध, और कहाँ पर है, चंदौली में बनाया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है। देखिए आगे तक का चंद्रप्रभा, तो बोलेगा कि ये कहाँ पर, तो क्या बताएंगे देखिए चकिया चंदौली के पास है, और इस पर चंद्रप्रभा बांध बनाया गया, ठीक है ना। देखिए एक आता है गढ़वा, तो देखिए गढ़वा बांध गढ़वा पर है, और देखिए नदी पर, और देखिए ये कहाँ पर, तो क्या बताएंगे चित्रकूट में, ठीक है। और देखिए पथराई एवं देखिए सुखनाई झील, तो देखिए ये आपका झील भी, और देखिए इस नदी पर आपका पथरी आपका ये बांध बनाया गया जो झांसी में है, ठीक है ना। देखिए आगे आते आपका देखिए बेतवा नदी पर कौन सा है बांध, तो क्या बताएंगे माता टीला, देखिए क्वेश्चन पूछ चुका है, और किस शहर में, तो क्या बताएंगे झांसी में, ठीक है। और देखिए बेतवा पर एक और आपका देखिए झील है उस बांध बनाया गया, देखिए परीक्षा और सुकमा डुकमा, और देखिए ये दोनों आपके कहाँ पर, तो क्या बताएंगे झांसी में, ठीक है। और देखिए रामगंगा में, तो देखिए रामगंगा नदी पर रामगंगा बांध है जो कहाँ पर, तो क्या बताएंगे बिजनौर या धामपुर उसको बोलते हैं, ठीक है। और देखिए आगे देखिए रिहन नदी पर कांठी आपका बांध है जो बिजनौर के पास है, ठीक है ना। और देखिए अर्जुन नदी पर आपका अर्जुन बांध बनाया गया जो महोबा शहर के पास है, ठीक है। और देखिए आदवा नदी पर आदवा बांध है जो मिर्ज़ापुर में, देखिए क्वेश्चन खूब पूछता है सब नाम देकर, ठीक है। और देखिए आगे तक का देखिए गराई, देखिए गराई नदी पर आपका अरोरा बांध है जो मिर्ज़ापुर में बनाया गया, ठीक है। और देखिए जिगरो, देखिए जिगरो नदी और बेलन दोनों नदियों पर, देखिए जिगरो बांध और मिर्ज़ा बांध, क्योंकि ये दोनों आपके मिर्ज़ापुर में है, देखिए मिर्ज़ापुर सोनभद्र में सबसे अधिक बांध है, ठीक है। और देखिए आगे देखिए आते हैं आपका कन्हर नदी पर है आपका का कन्हर बांध, और ये आपका रॉबर्ट्सगंज सोनभद्र में पड़ता है, ठीक है। देखिए आगे था देखिए रिहंद, और देखिए रिहंद नदी पर ओबरा बांध बनाया गया है, और ये कहाँ पर है, तो क्या देखिए सबको पता है आपका सोनभद्र में, ठीक है। और देखिए जामनी नदी पर जामनी बांध है जो कहाँ पर, तो क्या बताएंगे ललितपुर में, ठीक है ना। और देखिए बेतवा नदी पर आपका राजघाट बांध है जो कहाँ पर, तो क्या बताएंगे ललितपुर में बनाया गया, ठीक है। और देखिए एक आता है आपका रोहिणी, तो देखिए रोहिणी नदी पर आपका रोहिणी बांध है जो कहाँ बनाया गया, तो क्या बताएंगे ललितपुर में, ठीक है। और देखिए ललितपुर में चार पाँच बांध है, देखिए जिसे आपका एक दिखाता है, देखिए सजाद नदी पर आपका दो बांध है, एक आपका सजाद एक आपका गोविंद सागर,
ठीक है। और देखिए दोनों दोनों आपके कहाँ पर, तो क्या बताएंगे, ललितपुर में। और देखिए एक एक बात आपका सजनाम, देखिए इस पर भी आपका सजनाम बांध है जो कहाँ पर, तो क्या बताएंगे, ललितपुर में, ठीक है। और देखिए एक आता आपका, देखिए बिरमा, देखिए बिरमा, देखिए इस आपकी यूपी की ना वो छोटी छोटी नदियाँ जिनका काउंट नहीं होती है, लेकिन इस पर जो बांध बनाया गया ना उसका नाम आपसे एग्जाम में देखकर पूछता है, तो क्या बताएंगे, देखिए बांध का नाम क्या है, तो मौधा बांध, जो जो कहाँ पर है, तो क्या बताएंगे, हमीरपुर में, ठीक है। और देखिए सब आपके देखिए एग्जाम में देखकर कल क्वेश्चन पूरा पूछता है, ठीक है ना। तो देखिए ये पूरा आपका यूपी के जितने भी छोटे छोटे बांध थे सबका सब पूरा विस्तार से आप लोग को बता दिया, ठीक है। देखिए यूपी के जितने भी बिना नदी थे उसके बारे में पूरा विस्तार से बता दिए, और आपका झील और बांध, ठीक है। और देखिए इससे बाहर नदी के आज तक जो आपका एग्जाम हुआ यूपी पीसीएस का, और देखिए या फिर राज्य लोक सेवा आयोग का, या फिर देखिए यूपी ट्रिपलसी का, इससे बार कोई क्वेश्चन आज तक पूछा ही नहीं, ठीक है, ठीक है ना। तो देखिए वीडियो को अच्छा लगेगा तो देखिए वीडियो को लाइक से आप लोग जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। हाँ थैंक्स सभी लोग को, थैंक्स।